इसी बीच अंबिकापुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ऑक्सीजन की कमी से मरीज की जान चली गई है। ऑक्सीजन सप्लाई में तकनीकी खामी आई और एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। मरीज के परिजनों ने, जो नर्स वहां पर ड्यूटी में मौजूद थी, उसे जानकारी दी थी, लेकिन मरीज के द्वारा इस मामले में कोई सुध नहीं ली गई। और अब मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है, गंभीर आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगाए हैं और शिकायत के बाद जांच टीम गठित कर दी गई है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताएं वहां पर क्या हुआ था, क्योंकि गंभीर मामला है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और ये आरोप लग रहा है कि सूचना दी गई थी, सुध नहीं ली गई। निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही जो है वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामने निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मरीज के परिजन हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। मरीज के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो मरीज था रामचंद्र ठाकुर, उसे फेफड़े, जो कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण जो जिला अस्पताल सूरजपुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया था, यहाँ पर इमरजेंसी के डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और फिर वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय में तकनीकी खामी आई, सिलेंडर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद जो परिजन थे वो लगातार वहाँ पर जो स्टाफ, जो नर्स तैनात थे, जो ड्यूटी पर तैनात थे कर्मचारी, उनको इसकी सूचना दी। और जो मरीज के परिजन हैं उनका ये कहना है कि करीब 4 से 5 बार वो जो स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद था उन तक गए, लेकिन किसी ने भी वहाँ तक पहुँच कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर किस तरह की तकनीकी खामी आई है और कैसे उसे दुरुस्त किया जा सकता है। यही कारण है कि जो लगातार जो मरीज है वो सफ़र करते हुए उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद जो वहाँ पर जो परिजन हैं उन्होंने हंगामा मचाया और गंभीर आरोप जब अस्पताल के स्टाफ पर लगाए थे, तब अब जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है उसने भी ये बात मानी है कि अगर इस तरह की लापरवाही है तो बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में फिर से एक बार जाँच की बात कही जा रही है और जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से मरीज जो है वो लगातार अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए भटकता रहा और एक मरीज को, जो मरीज के परिजनों को भटकने के बाद भी मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल सका, एक बेहद संजीदा मामला है। बिल्कुल गंभीर यह मामला है और संगीन हो जाता है। पूरा सिस्टम जिसके बूते, जिसके सहारे हम पूरी जनता है, अगर जनता ऑक्सीजन के लिए तरसती रहेगी और सूचना देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सुध नहीं ली जाएगी और ऐसे मरीजों की जान जाती रहेगी, तो बिल्कुल सवाल तो उठेंगे। आप नजर बना के रखिए अभिषेक, आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे।